Hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. So in today's video we are going to talk about tuberculosis again. Aaj hum fir se tuberculosis ke bare mein baat karenge. So today we are going to talk about cause and risk factors in tuberculosis. If you are new here, hi, my name is Aarti. I make vlogs and health related videos here, especially tuberculosis related videos, because I am also a brain and spine TB patient and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. If you are new here, please hit that subscribe button and let's get started. So, आज हम बात करेंगे cause of tuberculosis and risk factors in tuberculosis. क्योंकि मेरे comment section में कुछ comments आते हैं जहाँ पे people are asking कि दीदी आपको TB कैसे हुआ, दीदी आपको brain TB कैसे हुआ, मैम आपको brain TB कैसे हुआ. And real life में भी कुछ लोग हैं वो पूछते हैं that तुम्हें brain TB कैसे हुआ, तुम तो smoke भी नहीं करती, drink भी नहीं करती, मतलब तुम fit रहती थी, फिर कैसे हुआ ऐसे. And कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते थे कि दीदी मुझे टीबी कैसे हो गया, मैं स्मोक भी नहीं करती थी, ड्रिंक भी नहीं करती थी, बट फिर भी कैसे हो गया. सो पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट टीबी की ज़्यादा स्मोकिंग करने से टीबी होता है, ज़्यादा ड्रिंक करने से टीबी होता है. एंड उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि टीबी कैसे होता है. सो फर्स्ट, टीबी जो है, टीबी is a bacterial infection. ये एक bacterial infection है, Mycobacterium tuberculosis नाम का एक bacteria है, उससे जो है TB का infection होता है. और ये जो TB है ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैलता है if it is pulmonary TB. okay, तो ये TB तभी फैलता है जब आपके patient lungs TB. अगर मुझे lungs TB है तो ये जो मेरा lungs TB है ये मुझसे किसी और बहुत सारे लोगों पे फैल सकता है. but अगर मुझे extra pulmonary TB है जैसे brain TB, spine TB, bones TB, kidney में, तो ये जो है ये नहीं फैलता है. okay, तो जो ये बैक्टीरिया है यूजुअली ये लंग्स पे अटैक करता है, इसीलिए लंग्स टीबी के पेशेंट्स हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं. बट ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी अटैक करता है, जैसे किडनी में, स्पाइन में, ब्रेन. सो ये था कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उससे होता है ट्यूबरकुलोसिस. ओके, सो हमें कैसे होता है, मतलब एक पर्सन टू दूसरे पर्सन ये फैलता है. तो जब भी आप किसी लंग्स टीबी के पेशेंट ने वहाँ पे कफ किया होगा, तो जो कफ करता है, अगर मास्क नहीं लगाया है वहां पे, वो कफ कर रहा है टीबी का पेशेंट, तो वो हवा में चला जाता है, फिर आप उसको इनहेल कर लेते हो, तो उस टाइम जो है वो बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में आ जाता है. तो इस तरह से होता है ट्यूबरकुलोसिस. मेन कॉज एंड बैक्टीरिया डू नॉट लीव ऑन सर्फेसिस. ओके, तो ये सर्फेसिस में नहीं रहता है, इसीलिए आप हैंड शेक कर सकते हो. टीबी के पेशेंट के बॉडी में बाहर ये नहीं रहता है. ओके, तो आप हैंड शेक कर सकते हो, सेम टॉयलेट यूज कर सकते हो, सेम किचन यूज कर सकते हो, सेम बॉटल से पानी पी सकते हो, तो ये सब कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टीबी इससे नहीं फैलता है. ओके, तो अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब कैसे लोगों को ज्यादा चांसेस है टीबी होने के. तो जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे मेरी बचपन से बहुत वीक इम्यूनिटी है, मुझे कोल्ड एंड फ्लू भी बहुत जल्दी हो जाता है. अगर मैंने आज एक आइसक्रीम खाया तो कल मुझे कोल्ड हो जाता है, थ्रोट पेन होता है. तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ट्यूबरक्यूलोसिस होने का. एंड सेकेंड जो है HIV, अगर आपको HIV इन्फेक्शन है, एड्स है, तब भी आपको जो है, अब जब आपको HIV का इन्फेक्शन होता है तब आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे में ज़्यादा रिस्क होता है आपको टीबी होने का. बट और एक जो है मिसकंसेप्शन ये भी है कि कोई कोई लोग बोलते हैं कि टीबी पेशेंट्स को HIV होता है, ऐसा नहीं है. HIV पेशेंट को रिस्क होता है टीबी होने का, लेकिन हर टीबी पेशेंट को HIV नहीं होता है. ओके, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में ये मिसकंसेप्शन भी है, मैंने सुना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को टीबी है तो लोग बोलते हैं कि उसको तो HIV होगा, बट ऐसा नहीं है. टीबी पेशेंट को HIV नहीं होता है, बट HIV पेशेंट्स को टीबी होने का चांसेस होता है, बिकॉज उनका जो है इम्यूनिटी लो होता है. ठीक है, सो अनदर रिस्क फैक्टर इज माल न्यूट्रिशन. अगर आपको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, बॉडी कमजोर है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस टाइम पे भी जो है टीबी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. तो माल न्यूट्रिशन जो है ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है. और उसके बाद जो है, अगर आपको किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो इसमें भी आपको टीबी होने के ज़्यादा रिस्क होता है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर आपका किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है
तो उस टाइम जो मेडिसिन आपको दिए जाते हैं वो इम्यूनिटी को कम करता है, और जब आपकी इम्यूनिटी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है तब आपके बॉडी की जो डिजीज से लड़ने की फाइट करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम में जो ऑर्गन रिसीवर होता है उसको ज़्यादा चांस होता है टीबी होने का, उसको ज़्यादा रिस्क होता है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा रिस्क होता है बिकॉज वो हॉस्पिटल्स में दिन रात काम करते हैं एंड बहुत सारे वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, टीबी के पेशेंट्स इनिशियल स्टेज में भी हॉस्पिटल में आते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा होता है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है टीबी के लिए, बट मेन जो टीबी का कॉज है वो वही है कि आपको जो है अगर आप किसी पेशेंट के पास में रहते हो जो लंग्स टीबी का पेशेंट है और इन्फेक्शियस है, वो कफ करता है, स्नीजिंग करता है, तो वो एयर में चला जाता है और आप उसी को ब्रीथ करते हो तो उस टाइम जो है आपके अंदर आ जाता है। पर जो लंग्स टीबी का पेशेंट है वो भी हमेशा कंटेजियस नहीं होता है, हमेशा उसके टीबी के थ्रू आउट द टीबी ट्रीटमेंट उससे टीबी नहीं फैलता है। जब 3-4 महीने होता है उसका कल्चर टेस्ट होता है, जब डॉक्टर बोल देते हैं कि अब तुम इन्फेक्शियस नहीं हो, अब तुम किसी को स्प्रेड नहीं करोगे, उसके बाद में स्प्रेड नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि टीबी कैसे फैलता है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से टीबी फैलता है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। एंड जो भी मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग करने से होता है टीबी, ड्रिंक करने से होता है, या फिर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो वो सभी मिसकंसेप्शन ही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। टीबी बस जो है आपको एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स जो है मैंने बता दिए हैं। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड और भी वीडियोज देखना है तो मेरे चैनल पे ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज है स्पाइन टीबी, ब्रेन टीबी, लंग्स टीबी के ऊपर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।